हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम छोटे बच्चे को किस ना किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बच्चे के फेस को आप क्लीन करें। यहाँ पे मेरा जो बेबी है वो जस्ट नहा कराया है, तो मैंने उसके फेस को क्लीन नहीं किया है क्योंकि वो पहले से क्लीन है। उसके बाद जो भी आप उसमें पाउडर या फिर क्रीम लगाते हैं आपको बच्चों को लगा देना है। उसके बाद जो बिंदी होती है, बच्चे के कान में तो छेद नहीं होती, तो बड़े साइज़ की बिंदी जो है उसके कानों पे लगाएं। पुरानी जो भी राखी आपके पास हो, या तो वो एक डिज़ाइन का हो या फिर अलग अलग भी हो सकता है। बाजू में हमको ऊपर और हाथ दोनों जगह यूज़ करना है। उसके बाद हम छोटी बिंदी दोनों आँखों पर लगाएंगे। जो भी आपके पास पुराने गहने हो या फिर जो पुराने माला हो जो हम भगवान को चढ़ाते हैं वो आप बच्चे को पहना दें। यहाँ पे मैंने पुराना शादी का मेरे पास माला पड़ा हुआ तो वो मैंने पहना दिया है। और साथ ही बच्चे का तिलक करें। यहाँ पे मैंने कुमकुम से बच्चे का तिलक किया है। अगर आपके पास कुमकुम नहीं है तो आप उसकी जगह रोड़ी और चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड़ी को आप साइड से यू शेप में बनाएं और बीच में उसमें पीला वाला जो चंदन आता है उसे भर दें, जिससे आपका तिलक काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो मेरा बेबी है वो सो रहा है क्योंकि ये उठने के बाद काफ़ी शरारती हो जाता है, इसलिए मैंने अपने बेबी का सोने का वेट किया। उसके बाद मैंने मेकअप स्टार्ट किया। एक साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें फील होता है कि हम उन्हें कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा जो हमारा मेकअप होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो सारी चीज़ों को नोच कर फेंक देते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा इस एज का है तो आप उसके सोने का वेट करें, उसके बाद ही उसका मेकअप स्टार्ट करें। पैर को हम आलते से कलर करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास पायल है आप बेबी के पैरों में बांध दें और पीछे से रबड़ से उसे टाइट कर दे। रबड़ जिस तरह हम रबड़ बैंड बालों में लगाते हैं उसी तरह आपको पायल में लगा देना है, जिससे बेबी के पैर में पायल जो है अच्छे तरह से फिट आ जाए। सबसे लास्ट में हम बच्चे को मुकुट पहनाएंगे और उसमें एक मोर पंख आपको लगाना है। मोर का पंख काफ़ी लंबा आता है तो आप उसे काट दें। और मुकुट में सबसे पहले सेलो टेप से मोर के पंख को चिपकाना है क्योंकि वो बार बार निकल जाता है। जब अच्छे से वो आप उसे चिपका देंगे तभी आप मुकुट पहनाएं। इस तरह मैंने ना कोई केमिकल यूज़ किया है बच्चे के फेस पर और ना ही मैंने लिपस्टिक पाउडर या फिर किसी चीज़ का यूज़ किया। नॉर्मली जो हम बच्चे को लगाते हैं मैंने उसी से बच्चे को तैयार किया है। इस तरह से आप भी अपने बच्चों को रेडी कर सकते हैं, जिससे बच्चों का जो स्किन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। हमें केमिकल वाली कोई भी चीज़ें बच्चे के फेस पे बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। देखिए बेटा मेरा उठ चुका है और इसे फील भी नहीं हो रहा है कि मैंने इसे कुछ पहनाया है, क्योंकि मैंने सारा मेकअप इसके सोने के बाद किया है। इसलिए जब ये सोकर उठा तो इसे पता ही नहीं है कि मैंने इसको कोई भी चीज़ पहनाया है। ये काफ़ी खुश है और ये सारे घर में खेल कर कूद रहा है। आई होप आपको मेरे कृष्णा का जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।